अस्सलाम वालेकुम जी, नोश वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। ले जी, सुबह सुबह का वक्त था, गुड मॉर्निंग हो गया था हमारा। बच्चों को मैंने रेडी कर लिया था स्कूल के लिए और इनका मैंने लंच भी बना लिया, लंच बॉक्सेस में भी डाल दिया था। और बस सुबह से ही सब शुरू हो जाता है, सब जो डेली रूटीन के काम हैं वो सुबह से लेकर रात तक रहते हैं। दरमियान में थोड़ा थोड़ा सा हमें थोड़ा रेस्ट का टाइम मिल जाता है, लेकिन ये थ्रू आउट काम बच्चों के साथ रहते हैं। सुबह सुबह ज़िमल भी उठ गई थी और एज़ यूजुअल ज़िमल उठ के बस आपियों को तंग कर रही थी, उनके बॉक्सेस बैग में रखवा रही थी, बॉटल्स बैग में रखवा रही थी, और जब ये स्कूल जा रही थी तो फिर उनके साथ जाने की ज़िद कर रही थी। बस इसी तरह ही सुबह सुबह का आगाज़ हुआ हमारा। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ जस्ट एक दो घंटों के लिए। उसके बाद मैं उठ के अपना नाश्ता वगैरह रेडी करती हूँ, ज़िमल का नाश्ता रेडी करती हूँ, ज़िमल को नाश्ता करवाती हूँ, और फिर जो कमरा समेटना होता है वो कर लेती हूँ मैं। अगर हेल्पर आ जाए टाइम पर तो मैं उसके साथ थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ, काम के करवा देती हूँ। नहीं तो हेल्पर अगर देर से आए तो फिर बाद में होता है ये काम। फिर बच्चों को स्कूल से लाने का वक्त हो गया था, इनको स्कूल से पिक करना था, जो कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए, मुझे वक्त पर पहुंचना होता है। इसी तरह से ही है, बच्चे घर आ जाएं तब भी हमारी रूटीन वही रहती है, उनको कुछ बना कर देना होता है खाने के लिए, आफ्टर स्कूल लंच कह लें, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही कुछ ना कुछ बनवा कर वो खाना होता है। तो मैं इनसे पूछ ही लेती हूँ, क्योंकि मैं इनको अपनी मर्ज़ी से अगर कुछ दूँ तो फिर बच्चे खामखा नखरे करते हैं, तो मुझे इनसे पूछना होता है कि क्या बनाऊँ मैं। इनकी मर्ज़ी का लंच बनता है, फिर इनका होमवर्क टाइम हो जाता है, होमवर्क करने के बाद फिर पता भी नहीं चलता वक्त का, शाम हो जाती है, और फिर बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, या इवनिंग स्नैक या कुछ भी। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी मिल्क शेक बच्चों के लिए, पैकेट मैंने अभी खोला था दूध का, बच्चों को मैं फ्रेश में नहीं, मैं नीडो में ही देती हूँ, बना के माइलो बना कर देना हो या कॉर्नफ्लेक्स देने हो, मिल्क शेक देना हो, मैं इसी में ही देती हूँ। और बच्चियाँ मेरे साथ आ गई थी कि मैं, हमने आपकी हेल्प करनी है, उनको ये काम बहुत सेटिस्फाइंग लगते हैं बच्चों को। अच्छा, मैं जब भी किचन में काम करने आती हूँ या ईमान या दुआ आ जाती हैं और वो कहती हैं कि ये काम हमने करना है, बच्चों को पता नहीं क्यों ये काम इस एज में अट्रैक्ट करते हैं। खैर, इनके साथ थोड़ी सी हेल्प ली इनकी, और यहाँ मैंने मिल्क शेक के लिए दूध रेडी कर लिया था। वैसे तो मैंगो का सीज़न तकरीबन ऑफ हो ही चुका है, तो ये वाले मैंगो हमने कुछ लेकर फ्रीज़ कर लिए थे, तो उससे लेके मैं मिल्क शेक बना कर दे रही थी बच्चों को। बच्चों को हर दो घंटों बाद कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होता है। मैं अपने आप को मेंटली तौर पर रेडी रखती हूँ कि मुझे अभी भी रिक्वेस्ट आ जाएगी, अभी कोई फरमाइश आ जाएगी कि मामा ये बना दें, वो बना दें। उनको बच्चों ग्रोइंग एज में बच्चों को जल्दी भूख लगती है, तो कुछ ना कुछ घर में मैं रखती हूँ साइड टाइम पे मैं उनको देने के लिए, खाने के टाइम के अलावा कुछ ना कुछ। उसके लिए भी रेडी रहना पड़ता है कि आपको किस टाइम पर क्या चीज़ देनी है, कौन सी चीज़ किस वक्त सूटेबल है। बच्चे किसी भी वक्त कोई भी चीज़ मांग लेते हैं, लेकिन आपको उस हिसाब से देना होता है कि शाम के वक्त कोई चीज़ नहीं देनी होती या रात के वक्त। तो हर चीज़ का, हर खाने पीने की चीज़ का अलग से एक टाइम होता है। फ्रूट्स कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को दिन के टाइम ही देना चाहिए, रात में फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए, दही भी रात में अवॉइड करनी चाहिए, दिन में किसी भी टाइम आप दे दें, सुबह नाश्ते में दे दें, लंच में दे दें, किसी भी टाइम दे दें, लेकिन रात के वक्त योगर्ट या फ्रूट्स वगैरह अवॉइड करने चाहिए कि वो बॉदर करते हैं बच्चों को, और ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी, क्योंकि आगे मौसम भी चेंज हो रहा है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। हमारे यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है पहले से, तो इसलिए हमें बच्चों की बहुत एहतियात करनी चाहिए। और मेरी भी कोशिश होती है कि मैं जिस हद तक हो सके अवॉइड करूँ, बच्चों को ऐसी चीज़ ना दूँ रात में जो उनको बॉदर करे या गला ख़राब हो, कुछ भी हो। खैर, बच्चे अपनी ज़िद तो करते ही हैं, लेकिन हमें भी कुछ देखभाल के ही देना पड़ता है, क्योंकि उनकी सेहत हमें ज़्यादा अजीज़ है।
लीजिए, ज़िमल का भी टाइम हो गया था खाने का, उसके लिए मैं खाना रेडी कर रही थी, और यहाँ पे मेरा चाय का टाइम भी हो गया था। चाय के बगैर तो मैं बिल्कुल भी, मैं एक तरह से मैं बिल्कुल काम करने के काबिल नहीं होती यही कह लें आप। चाय पीने से जो है वो एक फ्रेशनेस, एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हद तक एडिक्ट हो चुके हैं चाय के, तो चाय के बगैर तो हमारा काम नहीं हो सकता, ना हमारा दिन का आगाज़ हो सकता है। चाय मैंने रेडी कर ली थी, और मुझे चाय का यही कलर पसंद है, मुझे लाइट कलर पसंद नहीं है चाय का। जब तक चाय के अंदर चाय का टेस्ट ना आए, दूध कम होना चाहिए और चाय का टेस्ट ज़्यादा हो, तो ही चाय, कड़क चाय जिसको बोलते हैं, वही आपकी थकान उतारती है और वही आपका सर दर्द भी ठीक करती है। खैर जी, चाय से फ्री होके ही खाने का टाइम हो जाता है खाना, क्योंकि मैं शाम में ही प्रिपेयर करती हूँ। हमारे यहाँ दोपहर में खाना नहीं बनता, मुझे शाम में ही करना होता है रेडी। तो आज था कि सब्ज़ी के साथ, चिकन के साथ कोई सब्ज़ी ही बना लें, तो मैं घिया की सब्ज़ी और चिकन बनाने लगी थी। चिकन मैंने वॉश कर लिया था पहले से ही, अब यहाँ सब्ज़ी कटिंग का टाइम था, वो मैंने कटिंग कर लिया। चिकन खाली भी हर वक्त अच्छा नहीं लगता, हर वक्त कोरमा वगैरह कढ़ाई ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। समटाइम दिल चाहता है कि चिकन के साथ कोई सब्ज़ी हो या कोई दाल हो, कुछ भी जो अच्छा लगे। तो घर में जो अवेलेबल था, तो यही डिसाइड किया कि चिकन के साथ घिया सब्ज़ी बना लेते हैं। प्याज मैं कटिंग कर रही थी मसाले के लिए। बनाना जो है वो इतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना हम लोगों ने बनाया होता है। जस्ट एक मसाला भूनना आपको आ जाए, जो बिगनर्स हैं वो सिर्फ मसाला भूनना ही सीख लें तो खाना पकाना बहुत इजी है। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम कोई नहीं है मेरे मुताबिक। बस आपको मसाला भूनना अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद आप हर चीज़ आप कुक कर सकते हैं। और मसाले में ज़रूरी नहीं है कि आप टमाटर लाजमी डालें, या मेरे काफ़ी डिशेज़ ऐसी हैं जिनमें टमाटर ना भी डलें तो उससे बहुत अच्छा गुजारा होता है। हर चीज़ में मैं टमाटर ऐड नहीं करती। यहाँ प्याज मैंने हल्का हल्का सा ब्राउन कर लिया था, अब इसमें मैंने बादियान फूल का जो एक छोटा सा टुकड़ा था वो ऐड कर दिया, काली मिर्ची ऐड कर दी थी, और अब इसमें जा रहा था लहसुन अदरक का पेस्ट। से इसको हल्का हल्का भून के, और इस वक्त जो एक अरोमा आता है लहसुन अदरक के पेस्ट का, बहुत अच्छा आता है, मुझे वो खुशबू बहुत पसंद है। और जिंजर गार्लिक डालने के बाद आपको उसको ज़्यादा ब्राउन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप पेस्ट डालें, थोड़ा सा उसको मिक्स करें और फिर आप उसमें ऐड कर दें और मसाले या चिकन या कोई भी चीज़ जो आपने बनानी हो, तो उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ मैंने जिंजर गार्लिक के बाद उसको थोड़ा सा फ्राई करके इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया था, और चिकन के बाद मैंने इसमें हल्दी और सूखा धनिया पाउडर वो ऐड कर दिया था, और नमक भी ऐड कर दिया था। मिर्चें मैं इसमें अभी ऐड नहीं करूँगी, बच्चों के लिए खाना निकाल के इसमें से थोड़ा सा फिर मैं इसमें मिर्ची ऐड करूँगी। और यहाँ पे डाल दिया मैंने थोड़े 2 से 3 चम्मच दही। मसाला अच्छे से मैंने भून लिया था, चिकन अच्छे से हो गया था, और बच्चों के लिए भी मैंने निकाल लिया था। अब मैं इसमें डालने लगी थी लाल मिर्चें। लाल मिर्ची डाल के भी थोड़ा सा बस आपने इसको भूनना है कि ये मसाले में अच्छे से ज़रा मिक्सअप हो जाए।
मसाला अच्छे से भुन गया था, चिकन हो गया था और मैंने अब इसमें कट की हुई सब्जी ऐड कर दी थी। इसको फिर अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। पानी मैं इसमें थोड़ा सा ही ऐड करूँगी क्योंकि घिया सब्ज़ी जो है वो उसका अपना पानी भी निकलता है कुकिंग के दौरान, तो मैं इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, बस इतना हो कि इसमें चिकन भी गल जाए और सब्ज़ी भी गल जाए। पानी तकरीबन यहाँ पे वेपरेट हो रहा था और मुझे इसको और ड्राई करना था। यहाँ पर मैंने ऐड कर दी थी इसमें हरी मिर्चें, कुछ साबुत, आपकी मर्ज़ी, आप इसमें कट करके डाल दें, मैंने वैसे साबुत डाल दी इसमें। पानी इसमें वेपरेट हो रहा था, काफ़ी हद तक हो चुका था और घी ऊपर आने ही वाला था तकरीबन। मैंने इसमें यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर दिया, बस ये तकरीबन रेडी था। जी खाना खा चुके थे और क्योंकि हमें थोड़ी सी फ्रेशनेस भी चाहिए होती है, ज़रा सा अच्छा सा टाइम गुजर जाए आपका, तो आउटिंग भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो थोड़ी देर के लिए हम बाहर चले गए थे और ये हमने ट्राई किया था आइसक्रीम शेक जो कि बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े का था। मुझे वैसे चॉकलेट आइटम ज़्यादा पसंद आती हैं, चाहे वो आइसक्रीम हो, शेक हो, कुछ भी हो। है जी, ईमान दुआ सो गई थी और ये हमारे साथ हर टूर में होती है। चलो जी, वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करूँगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।